हेलो, वेलकम टू रॉय हाउस। कैसे हैं आप सब? आज बसंत पंचमी का दिन और माँ सरस्वती माँ आप लोगों के घर में वृद्धि का वरदान दे और घर में हंसी खुशी गीत संगीत बजता रहे। और भी ज़्यादा कुछ बोलना मुझे नहीं आता, लेकिन मेरी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ पूजा चल रही है सरस्वती माँ की, तो आप लोगों के साथ शेयर करना था, और ये रिक्वेस्ट भी थी करी थी किसी ने, तो उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ। वैसे तो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन ये रिक्वेस्ट मैं उन्हीं की वजह से खास तौर से शेयर कर रही हूँ। तो कुछ होता नहीं है, लाइक जैसे पंडित को बुला के पूजा वगैरह कराते, ऐसा कुछ होता नहीं है। सरस्वती माँ के सामने ही देव की बुक्स रख देते हैं, नई पुरानी, और मम्मी ने अपनी रखी हुई थी, और इस तरह से दिया वगैरह प्रसाद वगैरह रख के बस हम लोग यूजली घर में ही कर लेते हैं। तो यही कर रहे थे इस बार भी, लेकिन इस बार नई मूर्ति आई थी देवी माँ की। पुरानी जो है वो थी, छोटी सी थी, उसमें बहुत ही छोटी थी, तो इस बार थोड़ी बड़ी लाई हैं। बस वही शेयर करना था आप लोगों के साथ। तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ। बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको देव ही बता देगा। हेलो, वेलकम टू रॉय हाउस, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। आज वसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, और हम लोग तैयारी पहले से ही कर लिए हैं। अब थोड़ी और तैयारी बाकी है, पूजा काम, पूजा मतलब भगवान चढ़ाने और आरती करना। और हम लोग कल ही खरीद लिए थे ये। इस बार वसंत पंचमी दो दिन पड़ी है, 29 एंड 30 को, तो हमारे यहाँ पूजा 29 जनवरी को हो चुकी थी। मेरे दीदू भगवान को सजा रही है, और कल ही हमने ना टोपी खरीद लिए थे। मेरी टोपी कैसी लग रहा है? सुंदर लग रहा है। भगवान लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, हमारे सरस्वती मम्मा मम्मा कैसी लग रही है? सरस्वती मम्मा। तो देव ने बताया होगा कि ये टोपी आप नई ली गई है। तो ये मोती बाजार की शॉपिंग है। मैं बता दूँ क्या क्या लिया था। सरस्वती माँ की मूर्ति, उनके गले में एक माला पहनाई गई है वो ली गई थी, और ये चुन्नी जो ओढ़ी है उन्होंने, और जो नीचे येलो कलर की हैंकी सी है वो भी मोती बाजार से लिया गया है। मम्मी का शॉल और देव की कैप, फिलहाल अभी जो कैमरे में है ये लिया गया था। और भी चीज़ें हैं जो बाद में कभी शेयर करूँगी। आज के दिन नए कपड़े पहनते हैं, तो पूरी चीज़ें तो नहीं है, नहीं। देव का ये स्वेटर न्यू है, मैंने लास्ट ईयर बनाया था तो उसने इस साल पहन लिया, येलो ही है हल्का सा, इसलिए आज बना दिया। और सरस्वती माँ को जो फूल चढ़ाए गए हैं वो हमारे गार्डन के चढ़ाए गए हैं, सरसों के फूल और गेंदे के फूल। और सही बताऊँ तो अच्छा लग रहा है अपने गार्डन के फूलों को वहाँ देख के। देव जो चीज़ें कर रहा है ना, मम्मी बताती जा रही हैं, वो उसे फॉलो करता जा रहा है रिचुअल, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है पूजा पाठ की चीज़ों में। बात करने से मना कर दिया मम्मी ने, इसलिए खुजर पुजर कर रहा था आप लोगों के साथ। लास्ट ईयर तक हम सुबह पूजा करते थे, और उसके बाद कनखल आनंदमय आश्रम जाते थे, और दोपहर के भंडारे के बाद हम घर आते थे। लेकिन अब जब तक क्वार्टर में है तब तक हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हरिद्वार से कनखल थोड़ा दूर है, और हरिद्वार पूरा उधड़ा हुआ है कुंभ मेले की वजह से, यहाँ पे युद्ध स्तर पर काम जारी है। भगवती भारती, भगवती भारती, देवी नमोस्तुते, देवी नमोस्तुते, जय माँ सरस्वती मोरकंठे था, जय माँ सरस्वती मोरकंठे था, जा किछु पढ़ लिखे स्मरणीय, जा किछु पढ़ लिखे स्मरणीय वाला। बोसे बोसे
तो पूजा का एंड हो चुका है, आरती ले लीजिएगा आप लोग। तो 29 जनवरी का यही एंड हो गया है। खाना पीना खाया था, कचौड़ी वगैरह बनाई थी, वो सब मैंने कुछ शूट नहीं किया है। हाँ, आज 30 तारीख है और आज भी यहाँ पे बसंत पंचमी मनाई गई है। यहाँ पे बसंत पंचमी के दिन पतंग उड़ाई जाती है। तो देव तो छोटा है, 5 साल से कम का है, इसलिए मैंने उसे नहीं दिया। और मांझे से हाथ के भी कटने का डर रहता है तो नहीं दिया, और मुझे उड़ानी नहीं आती। लेकिन ये जो वीडियो है ये मैंने अभी अभी शूट किया आप लोगों के साथ, तो थोड़ी बहुत पतंग देख लीजिए। वैसे बहुत कम, 2-3 ही पतंग दिख रही हैं। कनखल में पूरा आसमान भरा होता है, बहुत तरह तरह की पतंगें होती हैं। फिलहाल यहाँ मुझे इतना क्रेज़ नहीं दिख रहा। और इसी के साथ आ गई हूँ मैं इस वीडियो के एंड में, और मैं कहती हूँ आप लोगों को अलविदा, टेक केयर।